हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिन भाई लोगों को तीन पत्ती खेलना नहीं जानते हैं, तीन पत्ती खेलना नहीं आता है, तीन पत्ती खेलने का सही तरीका नहीं पता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा तीन पत्ती में आप बाजी कैसे मार सकते हैं, तीन पत्ती में आप कैसे जीत सकते हैं। तो जिन लोग भाई लोग को तीन पत्ती खेलना नहीं आता वो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आई होप उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि जो भाई लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले इस भाई का सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगा गाइस। और आप लोग को मैं ये भी बता दूँ कि मेरे चैनल पर अंदर बाहर ट्रिक है, मांग पता ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों ये बताऊंगा कि अगर जो आप तीन पत्ती खेल रहे हैं तीन बंदों के बीच, चार बंदों के बीच, तो कैसे आप जीत सकते हैं और कैसे बाजी मार सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वही बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, आई होप तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम लोग तीन पत्ती खेलते हैं तो चार बंदे, पांच बंदे, दस बंदों के बीच में भी हम तीन पत्ती खेलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, हम चार बंदों के बीच तीन पत्ती खेल के दिखाते हैं और जीत के भी दिखाएंगे और ये ट्रिक भी आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, पहले आप इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, एक भाई, दो भाई, तीन भाई और मैं चार भाई, चार भाई में देखिएगा किसकी पत्ती सबसे बड़ी आती है और कैसे आती है, वो भी मैं फाइनली आपको ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि तीन पत्ती का ट्रिक बताइए, तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, अब देखिए, एक, दो, तीन और एक मेरा चार। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, दो दो दो, तीन 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 और चार, ठीक ना, मतलब तीन तीन पत्ती सबकी हमने रख दी है। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है, कोई वीडियो स्किप या कट नहीं किया, कोई मिलावट भी नहीं किया, साफ सुथरे से आपके सामने मैं सब कुछ बना रहा हूँ, इस ट्रिक को मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, दूसरा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीन पत्ती का ऐसा जबरदस्त धांसू ट्रिक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, जब हम तो लोग तीन पत्ती खेलते हैं तो बहुत सारे भाई लोगों को इसका रूल या नियम नहीं पता होता, तो कैसे खेला जाता है आप ध्यान से देखिएगा, चाहे ऑनलाइन तीन पत्ती हो चाहे ऑफलाइन तीन पत्ती हो, जो कार्ड से खेला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक, दो, तीन और मैं चार बंदे बैठे हैं, तो जब चारों अपनी अपनी पत्तियाँ, या तो जैसे कुछ होते हैं ब्लाइंड की चाल बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, ब्लाइंड मतलब बिना देखे हुए, तो कुछ लोग ऐसे बिना देखे हुए अपने पत्ती को यहाँ पे चाल मारते हैं, दस रुपये का चाल, ये भी बंदा मारेगा दस रुपये का चाल, ये भी मारेगा दस, सभी बराबर दस रुपये का चाल मार देते हैं, ठीक है। तो जो भाई अपना पत्ती देख लेता है यानी सीन कर लेता है, तो देखता है अगर जो पत्ती लगी है, ठीक है दोस्तों, अगर जो मान लीजिए सपोर्ट डेट, ध्यान से समझिएगा, इस बंदे की पत्ती अगर जो लगी है तो ये बंदा 50 का 100 का कुछ भी चाल मार सकता है, ठीक है, ये 100 का चाल मारेगा तो ये 150 का, 200 का, उससे भी अधिक मार सकता है, ठीक है, ये भी मार सकता है और मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है। अगर जो मेरी पत्ती लगी है तो नहीं लगी है तो मैं ब्लाइंड की ही चाल चलूंगा। अगर जो मान लीजिए पत्ता, बंदा अपना पत्ती ऐसे देख लिया, पत्ती नहीं लगी है, तो धीरे से ऐसे गड्डी पर रख देगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पैक हो जाएगा, उसे कहते हैं पैक हो जाएगा, बचते हैं तीन लोग, तो तीन लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर जो नहीं समझ में आएगा तो मेरे चैनल पर तीन पत्ती का बहुत सारा वीडियो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यही होता है कि सब बंदे अपने ब्लाइंड की चाल जाते हैं, फिर पत्ती को देख लेते हैं यानी सीन कर लेते हैं, उसके हिसाब से अगर जो बड़ी पत्ती लगी है तो चाल पे चाल मारा जाता है। और सबसे बड़ी पत्ती क्या होती है दोस्तों, इक्का का तिरेल, उसके बाद बास्ता का तिरेल, जिस भाई के पास, जिस बंदे के पास इस तीनों चारों में से इक्का का तिरेल है वो चाल पे चाल मार सकता है। तो चलिए हम देखते हैं किस भाई के पास कौन सी पत्ती लगी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फाइनली आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बासा बेस है, ठीक है, इस बंदे की पत्ती हम देख लेते हैं,
बेस हाई कार्ड मान लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती गुल्लू है और सबसे बड़ी पत्ता बस्सी है, यानी इसको ये जीत रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे नहला बेस है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अब देखिए ये इसको और इसको, इन दोनों भाई को ये जीत रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं अपना पत्ती देख ले रहा हूँ और आप लोग को भी दिखा रहा हूँ कि मेरी पत्ती कौन सी लगी है, ठीक है। वीडियो काफी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। वाह सुपर, वाह सुपर, वेरी नाइस। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पत्ती लगी है दोस्तों। इसमें मैंने कोई स्किप नहीं किया, कोई कट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इक्का का तिरेल आ गया है, आप देख सकते हैं इक्का का तिरेल आ गया। अब तो दोस्तों इस पत्ती के आगे किसी भाई की पत्ती नहीं चल सकती, ये सारे भाई हमसे हार चुके हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं ये मैंने कैसे किया और क्यों कैसे आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में वही इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको, ठीक है, वही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आप यक्का का तिरेल, बादशाह का तिरेल, कोई भी तिरेल आप लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर जो आपके पास ये पत्ती आ जा रही है दोस्तों, आप अपने सीन करके आप देख ले रहे हैं, तो आप चाल पे चाल चलिए, चाल पे चाल चलिए, आपको कोई हरा नहीं सकता, इतना समझ लीजिएगा। बाकी बादशाह का तिरेल वो भी नहीं हरा सकता। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास इक्का का तिरेल आया, तीन पत्ती आया, कैसे आया है, कैसे आया, और मैं आपको भी बताऊंगा। अगर जो आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरे एंड तक बने रहेंगे, तो दोस्तों आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो हर लोग का इस ध्यान से देखिएगा, जो भाई लोग मेरे चैनल पर सबसे पहले नए आए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा आप बादशाह का तिरेल, इक्का का तिरेल कैसे स्ट्रेट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि चार बंदों के बीच में अगर जो पत्ती हो रही है, तो चारों बंदों के बीच में आपको तीन इक्के निकाल लेने हैं, ठीक है। जो भी आपको सेटिंग करना है, इक्का, बादशाह, गुल्लू, बेगी, तिरेल लगाना है, तो आप ये निकाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो किसी जो दोस्त आपके साथ मिल के खेल रहा है उसका ये ट्रिक लगवा सकते हैं, आपका छोटा आ जाएगा और दोस्त का बड़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रिक समझिएगा बारीकी से। अब देखिए चार भाई के बीच में जब खेलते हैं, तो इस गड्डी पे एक पत्ती रख लेंगे, ये तीन पत्ती पे एक पत्ती रख लेंगे, ठीक है दोस्तों, और ये तीन पत्ती पे एक पत्ती रख लेंगे, और ये तीन पत्ती पे एक पत्ती रख लेंगे। बारीकी से समझेंगे तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये ताश की गड्डी को हम उठाएंगे, ठीक है, और इसमें देखेंगे, सबसे ध्यान से देखिएगा कि ताश की गड्डी को हम यहीं पहले छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए एक दो तीन चार पत्ती है, यानी तीन पत्ती है, और ये जिसका हमको तिरेल लगाना है वो यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक, और उसको हम गड्ढी में ऐसे रख देंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जादू और बहुत ही जबरदस्त धांसू ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक दो तीन चार पत्ती है, ठीक है, जिसका तिरेल लगाना है, निक्का का, तीनों में वही पत्ती रहनी चाहिए, वो भी हम ऐसे रख देंगे। ध्यान रखिएगा ये चौथे नंबर पे अंदर ही रहनी चाहिए, ऊपर नहीं रहनी चाहिए, इधर ऊपर नहीं रहनी चाहिए, इधर ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस ट्रिक को समझिएगा, ठीक है, पहले आप आराम से समझिएगा दो बार चार बार, उसके बाद आप जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप फास्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तीन पत्ती है, फिर एक का तिरेल ऊपर ही, यानी अंदर के तरफ रहना चाहिए, इधर नहीं रहना चाहिए, ये बात आप ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस गड्ढे में हम सारा पत्ती रख देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ऐसा ट्रिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी डेमो दिए हैं, नॉलेज दिए हैं, और जो भी ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देखिए ऊपर का पत्ती ऊपर ही रहने देना, आप ध्यान से देखिएगा, आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों, आप फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको आप नीचे से ऊपर उठा लीजिए, चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे नीचे से ऊपर कर लीजिए, ठीक है, आप खूब अच्छे से सफल कर लीजिए, जितना चाहे उतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं इतना आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप फास्ट काम करिएगा, और इस पत्ती को आप ऊपर चढ़ा लीजिए, ठीक है, ऊपर चढ़ा लीजिए, फिर नीचे से ऐसे ऐसे कर लीजिए, फिर इस पत्ती को आप ऊपर चढ़ा लीजिए।
अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो भी इस गड्डी में पत्ती सेट हुई है, जो भी तिरेल की पत्ती सेट हुई है, वो पत्ती ऊपर ही आएगी दोस्तों। ये 100 में 100% ठीक है, कोई मिलावट या कोई चीटिंग नहीं है। ठीक है, जो भाई लोग कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, उनको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर और सारा वीडियो आप जाके एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं चार बांधों के बीच एक एक पत्ती डिवाइड करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले डेमो समझाया सेम उसी तरह मैंने सारा कुछ सेट कर दिया। अब जिस भाई का जो चाल रहेगा चलेगा, लेकिन ये ट्रिक बताने के लिए तो आप समझिएगा। ये देखिए बादशाह बेस है, ठीक है, और ये देखिए गुल्लू बादशाह, ठीक है, यानी इससे जीत रहा, ये हार चुका ये जीत रहा, ठीक है। ये देखिए हार गया, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यानी ये पत्ती ये दोनों को हरा चुकी है, ठीक है। चलिए मैं जो ट्रिक सेट किया हूँ, जो पत्ता सेट किया है, आप ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं वही पत्ता आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पत्ता मैंने इस गड्डी में मिक्स किया था, जो पत्ता इस गड्डी में मैंने सेट किया था, ऑलरेडी वो तीन पत्ती का तिरेल लग चुका है, यानी एक्का का तिरेल, बासा का तिरेल, जो भी करेंगे दोस्तों वही पत्ती आपको मिलेगी, वही तिरेल लगेगा, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जो भी नॉलेज दिया, जो भी ट्रिक बताया है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपको नहीं भी कुछ समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो वहाँ पे आप एक एक करके जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।